हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुभव रवि के मैथ्स में। तो दोस्तों, अब हम कर लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 4, राजस्थान कक्षा नंबर 8 की प्रश्नावली आपकी 13.4। अब यह क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, अगर आपने प्रश्न नंबर 1, 2, 3 को देखे तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं चौथा क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। एक बस 45 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है? तो 225 किमी की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा? 225 किमी की दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा? तो दोस्तों, इधर तो लिखेंगे हम दूरी, ठीक है, और इधर लिखेंगे हम समय। अब देखो, 45 किलोमीटर, 45 किमी प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कि समय। अब 45 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट, ठीक है। 45 किलोमीटर दूर जाने पर उसे कितना मिनट लगता है? 60 मिनट लगता है, ठीक है। तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में, यहां पर है 225 किमी की दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा? इसको मान लेते हैं हम एक्स मिनट, माना एक्स। अब आपका अगर पहला दूसरा तीसरा हुआ है तो चौथा भी क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। अब देखो, दूरी तय करने में बस को कितना समय लगेगा, एक्स हमें याद करना है। अब देखो दोस्तों, 45 मिनट कम है, 225 ज्यादा है, तो तीर को लाएंगे हम ऊपर से नीचे। इसमें भी क्या लाएंगे? तीर को ऊपर से नीचे। अब देखो, ये है कम तो इसके लिखेंगे कम, नीचे वाला है ज्यादा तो इसको लिखेंगे ज्यादा। इसमें भी ये कम है और ये ज्यादा है। अब देखो, 45 किलोमीटर में जाने में बेसिकली 60 मिनट लगता है, तो 225 किलोमीटर में जाने में एक्स मिनट लग रहा है, बताओ ज्यादा कौन सा होगा? इसका ही तो होगा एक्स का निकालने के बाद, क्योंकि ये ज्यादा किलोमीटर है, ये कम किलोमीटर है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, ये दोनों अनुपात में है, यानी कि 45 अनुपात 225, और बीच में किसका निशान लगाते हैं? समानुपात का, डबल वार, ठीक है। और देखो, 60 अनुपात x, यही करते हैं ना। अब देखो क्या करना है आपको, मध्य पथ को गुणा करना है, यहां पर लिख लेना मध्य पथ, और ये कौन सा पद होता है? ब्राहे पद, ब्राहे पद। अब देखो कैसे करेंगे, ब्राहे पद को गुणा करना है सबसे पहले, ब्राहे पद का गुणा बराबर बाहर वाले पद का गुणा बराबर अंदर वाले, यानी कि मध्य पद का गुणा, मध्य पद का गुणा। अब देखो दोस्तों कैसे होगा 16 आपका, ब्राहे पद कौन कौन से हैं? 45 इंटू एक्स, ये देखो 45 इंटू एक्स, तो यहां पर करेंगे हम 45 गुणा x बराबर 225 गुणा 60, तो 225 गुणा 60 हो गया। अब इसी क्वेश्चन को मैं यहां पर करवा रहा हूं आपको, यहां पर देखो 45 इंटू एक्स बराबर 225 इंटू 60। अब देखो दोस्तों, हमें मान निकालना है x का, तो x को तो रहने देते हैं इधर के साइड, और 225 इंटू 60। अब देखो, ये 25 इधर गुणा में है, तो बराबर के दूसरे साइड में जाकर इस साइड में आकर ये किसमें चेंज हो जाएगा? भाग में। अब देखो, जो चीज कट रहा है उसको काट दो, 5 का फाड़ा जा रहा है 45 में भी, 5 का 60 में भी जाएगा और 225 में भी जाएगा, तो 5 के फाड़े से काट लेते हैं, 9 5 45, यहां पर 45 में किसका भाग देना है? 5 का, तो देखो 9 बार जाएगा, ठीक है, और 60 में 5 का भाग चला जाएगा, देखो 5 एकम 5, बचा कितना? 1, पीछे 0, 5 दूनी 10, 60 में 5 का भाग दोगे तो जाएगा 12 बार, और 45 में किसका भाग दोगे? 5 का भाग दोगे तो जाएगा 9 बार। अब देखो दोस्तों, 9 है यहां पर 12 है, 3 के पाड़े से कट रहा है, 1 तिया 3, 2 तिरी 3, 3 9, 1 तिरी 3, 2 तिरी 6, 3 तिरी 9, 4 तिरी 12, कट गया।
अब देखो 225 यहां पर है, यहां पर 4 है, 3 के पाड़े से नहीं कट रहा है। अब क्या करना है आपको, 224 को 4, 225 को किससे गुणा करना है, 225 को 4 से गुणा करना है। तो 5 के 20 हासिल का 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, शून्य उतारा हासिल का 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, तो कितना आया x बराबर 900 और बट्टा क्या है 3। देखो 5 दूनी 10, 500 के 20, 20 का 100 में हासिल का 2, 4 दूनी 8 10 और ये सही आएगा आपका। अब 900 में आपको क्या करना है, 3 का भाग देना है। अब देखो 3 3 9, 3 3 9 उतारा 0, पीछे क्या बचे 0, तो यहां पर देखो x बराबर हमारा क्या निकल कर आया 300। और हमें क्या याद करना था, यहां पर 60 मिनट है और x हमें याद करना था, यानी कि कितना मिनट लगेगा 300 मिनट, कितना लगेगा 300 मिनट। अब देखो 300 मिनट लगेगा। अब देखो दोस्तों एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 होता है, तो 300 मिनट में कितना घंटा होगा, 56 30, यानी कि 5 घंटा, 5 घंटा कितना टाइम लगेगा, 5 घंटा। कैसे हुआ 5 घंटा, अगर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो देखो 300 मिनट है तो क्या करना है, 5 बार जोड़ लो, 5 6 30, तो 5 घंटा आपका निकलेगा। या वैसे नहीं कर सकते हो तो देखो 300 पूरा मिनट है, एक घंटे में 60 मिनट होता है, 0 से 0 कट गया, 5 6 30, 5 का 300 में अगर 60 का भाग दोगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप बड़े ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में, तब तक के लिए बाय, एंड देखते रहे हमारे चैनल अनुभवित रवि के मैथ्स को।